हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गाड़ी आपके साथ शेयर करूंगा। जीएमसी अकाडिया 2009 मॉडल। इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी टायर प्रेशर लाइट जो है वो ऑफ़ नहीं हो रही। तो इसको किस तरह से आप लर्न करते हैं टायर प्रेशर मॉड्यूल को, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्कैनर है हमारे पास मैक्सी। सर्विसेज में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद TPMS और GM सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट, विन नंबर रीड करने के बाद ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी डिटेल आ गई, यस। डायग्नोसिस, रिमोट कंट्रोल डोर लॉक रिसीवर ओके, रीड कोड, ये इसमें दो कोड जो हैं वो शो हो रहे हैं, ये मैंने क्लियर कर दिए हैं, इसलिए हिस्ट्री कोड है, करंट कोड अभी नहीं है, ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। और उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, तो अभी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से इसको लर्न करते हैं। अभी बैक जाएंगे हम और यहाँ से हार्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और अगेन रिमोट कंट्रोल डोर लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं और यहाँ पे हम यहाँ से प्रेशर सेलेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ी में कितना प्रेशर उसमें सेलेक्ट करना है आपने। PSI, P मैट्रिक स्टैंडर्ड, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है PSI 40 सेलेक्ट किया और ये हमारा ओके हो गया 40। उसके बाद TPM जो लर्न मोड पे रखना है इसको ओके करेंगे। और यहाँ पे अगर आपने कोई सेंसर वगैरह इसका रिप्लेस किया है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो लर्न कर लेता है। यहाँ पे देखें, अभी मैंने सेंसर चेंज किया है और यहाँ पे रियर जो हमारा राइट रियर था वो लर्न नहीं था। तो अभी मैं इसको यहाँ से लर्न प्रेस करते हैं तो गाड़ी का हॉर्न जो है वो एक दफ़ा बीप करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये मॉड्यूल जो है वो रीसेट हो जाएगा। यही तमाम चीज़ें हैं, इसी तरह से आप इसको रीसेट करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।